मंडप में प्रवेश हुआ, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के संशय का समाधान किया। 15, 8, 12 ब्रह्मा जी के कितने गर्दन? 4, 4 सिर है, 4 × 2 = 8। शिव बाबा के 5, 5 × 15। कार्तिकेय स्वामी के 6, 6 × 12। बाप बेटा 15, 12, ब्रह्मा जी 8 है। घबराए, ये मेरे को सुख नहीं मिला। देखो, भगवान का दर्शन जितनी बार, बाबा का दर्शन करो जितनी बार, उतने स्वरूप का दर्शन करो, खूब भर जाओ, अखिया में बैठा लो यार, जय जय। पैसा तो है नहीं, हो कहीं नहीं है। जिसके जीवन में अर्थ की प्रधानता है उसके लिए रिश्ता माने नहीं रखता, और जिसके जीवन में रिश्ता है उसको पैसा माने नहीं रखता। आता जाता रहेगा, है तो है तो करो, नहीं है तो उतरो, हटो, छोड़ो, ये तो व्यवहार है साहब। मंडप में प्रवेश किए, सरकार मधुबर का आदि विधि हुई, पलक पावड़े डाल करके सरकार को उपस्थित किया गया। सुनैना मैया और जनकराज पांव पखारने लगे हो, सबको दिव्यासन दिया गया। लिखा बाबा ने क्या, लागे पखारन पाया पंकज प्रेम तन फूल का नभन गर गान निशान जय हो जय हो जे पद सरोज मनोज हरि मूर सरसदेव जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल जे परसि मुनि बनिता तरी मकरंद जिनको शंभु गंगा मैया करी मधुपमन मुनि योगी जन जे से आज ते पद पखारत भाग्य भाजन जय 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 हो जय हो। साखोचार श्री वशिष्ठ भगवान सदानंद महाराज पानी कहर बिलो मूल दूल सुखमूल दूल सुखमूल करी लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण वेद विधान कन्या नृपभूषण दान नृपभूषण कन्या दान नृपभूषण करी लोक वेद विधान। कितना लोक रीति वेद रीति का व्यवहार संपन्न करके कन्या दान किया किसने? जनक राज महाराज। कैसे? हिममंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई। हिमांचल जी ने जैसे माँ भगवती को शिव समर्पित किया, समुद्र जी ने श्री जी को भगवान श्री हरि को समर्पित किया, ठीक उसी प्रकार जनकराज महाराज ने माँ को सियाजू को प्रभु को समर्पित किया। क्यों करे विनय विदेह, विदेहराज जनक भगवान की विनती कैसे करे, स्तुति कैसे करे? कियो विदेह मूरति सांवरी,
भगवान को देखकर जनकराज महाराज अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए हो, तब करी होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी। मंगल महोत्सवों को, उत्सवों को, धर्म उत्सवों को, पुण्योत्सवों को विधि पूर्वक संपादित करना चाहिए। चटफट नहीं, कंप्यूटर वाला नहीं, प्रेम पूर्वक। देखिए विधि ही फलित होती है, आप जानते हैं ना। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? अतो शालग्राम भगवान का खोडसोपचार ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। 16 प्रकार से शालग्राम स्वामी की सेवा ही सत्यनारायण व्रत कथा है। वही राजा ने किया, वही साधु वैश्य ने किया, वही पुत्री ने किया, वही और कौन था, हो बुलाए गया हमको, तो जो भी किया सबने वही किया। क्या लिखा है? कथा नहीं सुना, कथा सुन लिया प्रसाद नहीं लिया तो नाव ऐसा, पूछा तो बता दिया ऐसा, लेकिन कथा सुना तो फिर नाव में ही तेजपात और धनिया की जगह फिर हीरा मोती हो गया। वो कौन सी कथा सुनी? अ तो यही पूजन कराया, और किसने किसने इसके पहले पूजन कराया उनकी कथा सुनी, यही श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। इस करने का फल है तो करी होम विधिवत और गांठ जोरी विधिवत होने लागी। चतुष्पदी पुर कुमर कुमारी कल भावर दे, अरे नयन लाभ सब सादर ले। मणिखंभों में दर्शन हो रहा है, मानो रति कामदेव दर्शन दे रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, माँ बैठी, परमात्मा ने राम सीय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, अब बर दुल्हिन बैठे एक चक्रवर्ती जी महाराज। ज्येष्ठ पुत्र के विवाह का जो आनंद होता है उसको लिखा पढ़ी में नहीं कहा जा सकता, उसको केवल बूझा जा सकता है, समझा जा सकता है। ज्येष्ठ के विवाह को, सोई जाय नहीं जेहि देह जनाई, पिता का आनंद पिता ही जाने हो। रिश्तों में समान धर्मा व्यवहार तो दर्शन करना चाहिए, लेकिन अर्थ की प्रधानता नहीं। नहीं नहीं, क्या अर्थ है वो? अर्थ में सही कहें आप तो 15 दुर्गुण है। अर्थ भी धर्म में आएगा और बुद्धि को धर्म में लगाए रखेगा तभी कल्याण करेगा, नहीं तो निपटा देगा। अर्थ का संग्रह न हो, अर्थ का आगम निर्गम बना रहे तो अर्थ की शोभा है, आए और जाए रक्षण न करें। हां ये भी लिखा है पुराण स्कंद में कि आपत्काल के लिए अर्थ संग्रह हो। अर्थ के क्या क्या प्रकार हैं आपको कल सुनाऊंगा, अर्थ को किन किन व्यवहार में प्रयोग करना इसका मैंने लेख बनाया है, बहुत कथा में सुनाया, आपको विधिवत सुनाऊंगा। नादे आगे क्या सुना दूं? हाँ देखिए मिल ही गया, मैं पूर्ची लेके चलता हूँ, डीएवी कॉलेज में पढ़ाऊं। श्रेष्ठ धर्मशील मनुष्य को अपने धन को 5 भागों में बांट देना चाहिए, कुछ धर्म के लिए खर्च करना चाहिए भैया, कुछ अपनी कीर्ति के लिए खर्च करना चाहिए, कुछ अपने परिवार अपने स्वयं के सुख के लिए खर्च करना चाहिए, कुछ अपने परिवारी जन मामा काका फूफा चाचा ताया ताई साला साली साढ़ू हैं मोहल्ला, इनके लिए खर्च करना चाहिए। कुछ धन की वृद्धि के लिए किए, जो धन हम लगा दें जो कुछ समय बाद ये बढ़ जाए, क्या बोलेंगे उसको, FD। हाँ FD वो आपदकाल में उपयोग होता है। कुछ धन मनुष्य को लोक परलोक में सुख कैसे बढ़े इस पर खर्च करना चाहिए, इस
प्रकार का मनुष्य जो योजना बनाकर जीवन जीता है वही इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। ये व्यवस्था है। अरे महाराज मेरे पास तो इतना है नहीं। अच्छा इतना नहीं है, कितना है? 50 रुपया है। 50 रुपया में वर्गीकरण करिए। आपको एक कथा सुनाऊं, संभवतः अयोध्या जी में सुनाया था मैंने। हमारे प्रातस्मरणी सियाराम किला वाले महाराज जी, झुंझुनिया बाबा, उनके यहाँ कोई माई बिहार प्रदेश से आई, बोली बाबा हमको भंडारा करना है संतों के लिए। बोली क्या लाई हो? बोले 4 आना। बाबा बोले लाओ, 4 आना दी। गाढ़ी कमाई तब 1 पैसा 2 पैसा चलता था। भंडारा बस कल शुरू होने वाला था तो हमारे गुरु महाराज को बुलाए, जो हमारे साधना काल के सद्गुरु भगवान हैं। एक किशोरी जी, सरकार दौड़ के आए, सरकार ये 4 आना लो, आ रामरस मंगा के सब भोजन में परवाई दा। क्या मंगा के? रामरस माने नमक। माई का भंडारा दाल में पड़ गया, साक में पड़ गया, उस माई का 4 आना में संत भंडारा संपन्न हो गया। पैसा धर्म के लिए नहीं चाहिए, धर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए, धर्म के लिए मन चाहिए। है ठीक नहीं चाहिए? कई बार कह चुका हूं, अब ना हमको लोग बुलाते हैं, हो तब कोई बुलाता भी नहीं था, घूमते ही रहते थे खुदे हम लोग झोल मजीरा लेके, बैद बैद तुम ही लगवा लो। हाँ कोई सुनता नहीं था, हो, लेकिन धर्म करने का यह फल है कि आज लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग के पास समय नहीं रहता, हम क्या करें, ये धारण है। आप इसको धरो, इसको धरो। आपके पास 1 रुपया है, 10 पैसा धर्म में लगाओ। वही धर्म 1 पैसा 10 पैसा वाला 100 पैसा लाएगा। पैसा सब कुछ नहीं है, हो मन सब कुछ है। यदि मन है, इसी मन से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आप करके देखो, करिए ना भाई। तो सरकार को देखकर चक्रवर्ती जी महाराज गदगद हो गए। गुरु वशिष्ठ भगवान ने महाराज जनक जी को बुलाया, राजन आपके यहाँ और कन्याएं हैं क्या? अब ही महाराज 3 पुत्रियां हैं, एक हमारी उर्मिला और हमारे छोटे भैया कुशध्वज जी की 2 मांडवी श्रुतकृति। तो ले आओ महाराज, इहो महाराजन के वही 3 लड़िका हैं और क्या। जय जय बाबा ने कहा, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल उमर ब्याहे सारे। अरे जैसे मेरे श्री सीताराम जी का दिव्य उत्सव भया हो, वैसे तीनों भैया लोगन का हो गया। मंडप तो एक है प्यारे, सखिया गाने लगी, अरे निहाल सखिया आज मिथिला। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरी निहाल सखिया आज मिथिला। जय जय मौर्या कुंडले सोहिकन मठमण मौरिया कुंडल सोहिकन कर कर खजरारी जुल्मी नयन कर
लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, आज मिथिला खली सुनली न कान है, जोग जोग जोड़ी जीवे पे मिसाल सखिया, जोग जोड़ी जीवे पे मिसाल सखिया, भालू दुल्हा बड़का कमाल सखिया, चारों सावर सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, दारू दुल्हा बड़का कमाल सखिया, से खाई इनकर काल सखिया, अब लोढ़ा से खाई इनकर काल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा निहाल सखिया, चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की। ये धर्म का फल है, सत्कर्म अपने आप चलकर व्यवहार संपन्न करता है, करके तो देखिए देखिए, सत्कर्मी के बिगड़े कर्म भी बन जाते हैं और बने भी बिगड़ जाते हैं। सत्कर्म करिए सर्वकाल सब जगह, करते रहिए, देखिए रस बरसता है कि नहीं जीवन में, है बरसेगा रस बरसे साधा संगत जी रस बरसे, भिंग गई मेरी पचरंग चूनर, राम झमाझम होई निराकार साकार हो गया बीच रहा ना कोई, अली जित देखो तित तरसे रे रस बरसे।